दोस्तों मैकेनिकल लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वाला जो आप क्लच देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, और साउंड किस लिए कर रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर ये क्लच प्लेट के साथ एक प्लेट लगी होती है ऊपर जो व्हील के साथ चलती है ये वाली, और पिन लगी है। ये ज़्यादा इनका साइज है जो वियर आउट हो गया है, मतलब चलते चलते ये बिल्कुल इसके बोश हैं जो ख़राब हो गए हैं। इसको खोल के अब नया लगाएंगे। इसको खोलने के लिए अभी हम इसकी ये आगे वाली प्लेट निकालेंगे, और ये जो प्रेस है बॉक्स टाइप प्रेस है ये, और ये पिलर वाली प्रेस नहीं है। तो इसका अभी क्लच बाहर निकाल रहे थे तो हाफ ही क्लच इसका खोल के बाहर आया, तो बाकी का भाग है जो उसका क्लच का बाहर नहीं आ रहा। तो अभी हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर तो क्लच पूरे का पूरा ही बाहर आ जाता है तो उसके बाद ही इसको खोला जाता है। तो इसको खोलने के लिए अभी हम एक पुलर तैयार किया है। तो पुलर आपके इस तरह से कोई भी तैयार कर सकते हैं, दो बोल्ट लंबे लेके और साथ में प्लेट लगा के, और जो शाफ्ट है उसके साथ इसको टच करके और ऊपर से एक प्लेट लगा के। तो जैसे जैसे आप बोल्ट टाइट करते जाएंगे तो इस तरह से ये जो क्लच की प्लेट है जो हमारी मेन बैक साइड वाली, तो ये बाहर आ जाएगी। ये शाफ्ट के साथ पकड़ हो गई है, वैसे ज़्यादा इतनी पकड़ होती नहीं इसके अंदर। और ये प्रेस है जो आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये बॉक्स टाइप प्रेस है, तो कुछ इस तरह की ये 110 टन की प्रेस है। तो अभी हम इसका जो आपको बताया कि ये क्लच है जो अभी हमने बाहर निकाल लिया है, और बाहर निकालने के बाद इसका काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और ये अंदर की प्लेटें भी सारी घिस गई हैं, टेपर होगी क्योंकि चलते चलते जो क्लच की प्लेटें थी ख़राब होगी और लेदर भी ख़राब हो गए, और उन रिफ्टों ने इनको काट दिया अंदर से जो डिस्क प्लेट होती है ये वाली। अभी हमने इसको कट लगा दिया, यहाँ से कट लगा के इसका साइज है जो थोड़ा तैयार कर लिया है, ताकि जो हमारे लेदर हैं इस प्लेट पे लगेंगे तो नए वाले जो लेदर लगाएंगे। तो ये ज़्यादातर ये क्लच प्लेट होती है और पूरा क्लच होता है सारी सिस्टम जुड़ने के बाद। तो ये कुछ इस तरह से होती है, इसके अंदर सुराख किए गए हैं और यहाँ पे ये लेदर लगे हुए थे, हमने उतार दिए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में आपको दिखा रहे हैं जो जो ज़्यादा प्रॉब्लमें आती हैं। और ये कुछ रिफ्टें हैं और ये लेदर हैं जो इसके अंदर लगेंगे, और ये रिफ्टें हर क्लच के हिसाब से आती हैं। जैसे ये 6x25 की 100 पीस रिफ्ट है, और ये लेदर हैं, लेदर भी आपने साइज बता के ही मंगाने हैं। और ये हमारे एरला डाइट है जिससे हम इनको जोड़ेंगे, और लेदरों को पहले प्लेट के ऊपर जोड़ने के लिए ये एराडाइट, दो अलग अलग केमिकल होते हैं और दोनों को हम बराबर मात्रा में मिलाएंगे। दोनों को डाल लिया है और इसको थोड़ा हिलाते जाएंगे, हिलाते हिलाते ये वाला जो मिश्रण है थोड़ा और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और इसका रंग थोड़ा अलग हो जाएगा। और कुछ इस तरह से हम लेदर हैं जो प्लेट के ऊपर लगाएंगे, और ये लेदर पूरे पूरे साइज के हैं। जैसे हमारे यहाँ पर ये देख रहे हैं आप सुराख हैं नीचे, और इनको एक साइड जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद यहाँ पे ये होल हैं और यहाँ पे होल करेंगे। पहले वन साइड जोड़ने के बाद इनको 3-4 घंटे सूखने देंगे और फिर इनके अंदर होल कर देंगे, ताकि जब दूसरी साइड के लेदर लगाएं तो हमें उसके बाद होल दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए हमें होल पता रहे कि होल हमारे कहाँ पर हैं। तो इसलिए तो यहाँ पर हम इन लेदरों को अभी हम जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए पूरा तैयार हो चुका है अरला डाइट है जो हमारी। तो इसको प्लेट के ऊपर लगाने के बाद कुछ इस तरह से आपने लेदरों को वन बाई वन, तो जहाँ पे आपके सुराख हैं वहाँ पे एक एक निशान लगा लें, कैसे भी जैसे मार्कर से हमने निशान लगाए, ताकि आपको पता रहे कि जब वहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो वहाँ पे जब सुराख मारेंगे तो सुराख हमारा आउट ना हो ज़्यादा। कई बार क्या होता है कि यहाँ से लेदर अगर थोड़ा बहुत इधर उधर फिसल जाए तो दिक्कत हो जाती है। अभी हमने एक साइड सुराख है जो कर दिए थे, और अभी ऊपर से हम इनके ऊपर काउंटर कर रहे हैं। काउंटर इसलिए है कि जो हमारी रिफ्ट है, रिफ्ट इसके ऊपर जब लगाएंगे तो उसका रिफ्ट वाला भाग है जो अंदर ही रहे, ताकि वो डिस्क प्लेट के साथ टच ना करे, नहीं तो वो कट जाएगा। तो कुछ परसेंट ये आरला डाइट है जो इसको जोड़े रखेगी, और बाकी का जो हम इसके ऊपर लेदर लगाएँ और इसके ऊपर रिफ्ट लगाई है तो वो इसको पकड़ के रखेगी पूरा, ताकि ये हमारा लेदर है जो कहीं भी खिसक ना जाए और टूट ना जाए, जिससे हमारी जो लेदर है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। और ये लेदर तकरीबन 5 mm के आसपास हैं, तो जितना आपका डिस्क का साइज कम हो जाए उससे आप इसको 8 mm तक भी बड़ा कर सकते हैं लेदर को मोटाई में। तो इस तरह से जो आप इसके ऊपर रिफ्टिंग के लिए जो काउंटर कर रहे हैं, तो काउंटर के लिए आप पूरा लॉक लगा लें, और तकरीबन इसके अंदर 2-2.5 mm के
आसपास इसके अंदर रिफ्ट के लिए जो काउंटर है आप कर दें, ताकि जो आपकी रिफ्ट है अंदर ही रहे। कुछ इस तरह से लेदर हैं जो हमारे प्लेट के ऊपर पूरे चिप चुके हैं और इनको चार चार घंटे दोनों तरफ दे दिए हमने। पहले चार घंटे लगा के जोड़ के रखा और दूसरे बाद होल किए, होल के बाद फिर हमने दूसरी साइड जोड़ने के बाद काउंटरिंग कर दी है और फिर दूसरी साइड काउंटरिंग होगी तो उसके बाद अभी हम रिफ्टिंग कर रहे हैं। रिफ्टिंग करते समय आप थोड़ा ध्यान रखें, आप दो टूल ज़रूर बना लें इसके अंदर रिफ्टिंग के लिए। अगर जब आप रिफ्ट करेंगे तो एक तो टूल नीचे रहेगा और दो टूल आपके हाथ में रहेंगे जब हम नीचे से रिफ्ट लगा के, और खाली रिफ्ट के ऊपर ही लोड रहे जब आप रिफ्ट कर रहे हैं तो रिफ्ट पूरा बाहर आ जाए, इतना कम से कम बाहर आ जाना चाहिए। उसके बाद एक टूल से इसको थोड़ा सा टेपर के लिए बेंड करें ताकि जब उसका रिफ्टिंग होने के आसपास हो जाए तो फिर दूसरा टूल है जो उससे आप अच्छी तरह से पीट दें इसको, ताकि जो रिफ्ट है आपकी पूरी पकड़ कर जाए। तो दोनों तरफ से रिफ्ट है जो एक तरह की मतलब पूरी पकड़ कर लेगी और रिफ्ट है जो आपकी अंदर ही रहेगी लेदर के अंदर और बाहर नहीं होनी चाहिए। तब जब ये घिसता जाएगा, जब ये लेदर घिसते घिसते रिफ्ट के आसपास पहुंच जाएंगे तब जाके इसको लेदर को आप चेंज करने पड़ सकते हैं आपको। वैसे लेदर आपके काफ़ी देर चल जाएंगे तो इस तरह से आप इसके अंदर रिफ्टिंग कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने थोड़ा आपको शॉर्ट शॉर्ट में दिखाया कि कई दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि आप क्लच का पूरा ज़रूर वीडियो दिखाएं कि किस तरह से आप इसको रिपेयर करते हैं। तो ज़्यादातर भाइयों को पता होता है कि किस तरह से हम इसको खोलते हैं, हो सकता है कई जगह मतलब नहीं भी पता होता, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी अगर वीडियो बनाता हूँ तो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती, कोई देखता नहीं। तो अभी हमारी रिफ्टिंग होने के बाद ये देखिए प्लेटें हैं जो हमने डिस्क प्लेट के ऊपर रख ली हैं, और जो हमारी प्लेट ख़राब हुई थी साइड वाली जो पिन के अंदर चलती हैं तो एक व्हील के साथ लगी होती है, ये वाली प्लेटें ये हमने नई तैयार कर ली थी। ये तकरीबन 12 mm मोटी प्लेट है और इसके अंदर बोर कर लिया है हमने, तो जो पिन है हमारी व्हील के साथ लगी हुई जो इसको घुमाएगी तो उतना ही इसका साइज है जो हमने इसके अंदर कर दिया। आप इसके अंदर एक बुश भी लगा सकते हैं ताकि अगर घिस आपका दिक्कत आए तो आपका पहले बुश घिस जाए और प्लेट आपकी बची रह जाए। और अंदर वाली एक प्लेट टूट गई थी, ये प्लास्टिक की लगी हुई थी ये वाली, इसके अंदर जो स्प्रिंग रुकते हैं तो इसके लिए हमने भी लोहे की प्लेट एक राउंड में तैयार करने के बाद अभी इसके ऊपर एक इस तरह की पिन लगाएंगे और इस तरह से दो स्प्रिंग हैं जो इसके अंदर फिट रहते हैं, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्लच चालू हो जाएगा तो ये स्प्रिंग हैं जो उसको डिस्क ब्रेक को साइड में करने की मदद करते हैं। इसके अंदर जब यहाँ से एयर जाएगी तो ये स्प्रिंग दब जाएंगे अंदर को, और जब हम एयर छोड़ेंगे तो ये वापस प्लेट को साइड में कर लेंगे डिस्क के साथ टच ना रहे हैं। तो ये तो हमारा क्लच फिट हो चुका है, अभी हम इसका ट्रायल ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि आवाज़ तो नहीं आ रही ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा साउंड थी जो बहुत कम हो गई। और जो आप ये येलो रंग की प्लेट देख रहे हैं ये सिर्फ एल की बोल्ट हैं, बस उसके बाद स्प्रिंग रखने के बाद तो इसको एल की बोल्ट से टाइट किया गया है, और बाकी आपने देखा होगा किस तरह से इसके अंदर फिट रहता है मशीन के अंदर। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको थोड़ा बहुत रह गया हो तो शॉर्ट वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, मैंने पहले भी क्लच की कई वीडियो डाली हैं और उनमें जाके आप देख सकते हैं अगर कोई भी पॉइंट रह गया हो तो।